बड़ा शॉट, गेंद चली गई 4 रन के लिए, जिंगारो बाउंड्री। निकलता हुआ मैदान पर सीसी बॉयज पेंजी क्रिकेट टीम की ओर से अनुष केरकर अपने बॉलिंग मार पर। ओह अच्छी गेंद, गुडलेस स्पॉट पर थोड़ा सा अनियमित बाउंस है विकेट पर, उस गया जो कि बाउंस का फायदा बल्ले गेंदबाज को। अच्छी गेंद, अपने जो कि सर को हटाए, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बार विकेट कीपर के हाथों से गेंद पीछे निकली, देखना होगा बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद। नो बॉल का इशारा, नो बॉल के साथ गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, तो मिले टोटल 5 रन स्कोर के खाते में।
बाद साइना डीजे जो हमारे आवाज आपके कानों पर जो कि जा रही है वो साइनाथ हमारे लेकर डीजे है डीवी ऑडियो साइनाथ। आपके पास अगर आपके घर में कोई त्योहार है, बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा जो कि छोटा मोटा कार्यक्रम है, जरूर संपर्क कर सकते हैं हमारे डीवी ऑडियो और साइनाथ वेंगुर्लेकर ने बहुत बहुत थैंक यू कहा जिंगर बॉयज आपको पूरी टीम को कि आपने इतने बड़े टूर्नामेंट में हमारे डीवी ऑडियो को मौका दिया, डीजे को मौका दिया। साइनाथ वेंगुर्लेकर बिल्कुल आभारी मान रहे जिंगर बॉयज के पूरी टीम के, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने बड़े टूर्नामेंट में हमें मौका दिया। साइनाथ सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन और एक दिखाई देता हुआ निखिल गडेकर, खुद का पहला टीम का तीसरा दो ओवर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर हो चुका है 20 रन 20 लॉस ऑफ वन विकेट। यूट्यूब पर दर्शक जुड़ चुके हैं, जो दर्शक यूट्यूब पर AB25 जुड़ चुके हैं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से इस जिंगारो बॉयज टूर्नामेंट में। आज का अंतिम दिन सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला, एक छोर पर सिद्धेश 11 तालीगांव क्रिकेट टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। स्लॉग शिप का मिड विकेट और फाइन लेग लगभग डीप लॉन्ग लेग से मारे का से बाहर, एक हवाई शॉट गेंद 6 रन के लिए जिंगारो सिक्सर। चर्चा करेंगे तो नरेंद्र ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में, जिस तरह से साहिल वांगणकर उसी तरह से ये खिलाड़ी भी बिल्कुल छाक चुके हैं मैदान पर। अगली गेंद इसी बीच में और छोटी गेंद टॉपेज लगा फाइन लेग बाउंड्री पर, गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री पर सीमारेखा से बाहर और एक बार जिंगारो सिक्सर।
थोड़ा सा महंगा बन सकता है मैदान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी नरेंद्र स्ट्राइकेंड पर, सामना करते हुए अगली गेंद का। ओवरपिच गेंद, यही बात कर रहे थे हम अभी अभी, ओवरपिच गेंद आपको मौका नहीं बनेगा। मिडिल गेंद पर हवाई फायर, जिंगारो सिक्सर। चवालीस रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 44 लॉस ऑफ वन विकेट, 44 रन एक विकेट पर, खेल जारी मैच का तीसरा ओवर। ओ उड़ाया, ओहो बिल्कुल गजब का शॉट, डीप स्क्वायर लेग से मारेगा से बाहर, 6 रन के लिए 50 रन इसी के साथ सीसी बॉयज पंजी क्रिकेट टीम के। क्या मैदान पर बल्लेबाजी हो रही है नरेन की, आने वाली गेंद क्या घर पे सोबर सो बनेंगे, हर्षल गिफ्ट क्या युवराज सिंह बनेंगे इस मैदान पर, ये बात देखने की होगी। सभी दर्शकों की निगाहें इस मैदान पर, 5 गेंदों में तोड़फोड़ की बल्लेबाजी, बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नरेन की। बिल्कुल अब गेंदबाज प्रेशर में है, दबाव में है। निखिल गडेकर राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। ओ फाइन लेग बाउंड्री पर गगनचुंबी छक्का, जिंगारो सिक्सर, और 6 गेंदों में ये 6 रन जो कि छठा छक्का। याद करूंगा स्टुअर्ट ब्रॉड की, युवराज सिंह ने जरूर छक्के लगाए, लेकिन वही ब्रॉड ने आने वाले टूर्नामेंट में जो कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक भी मुकम्मल की थी। ये क्रिकेट है मैदान पर, यही खिलाड़ी आज उनका नाम नहीं है बिल्कुल जो कि, लेकिन मैं तो जरूर कहूंगा बहुत अच्छी गेंदबाज है और आने वाले एक आध दूसरे टूर्नामेंट में बिल्कुल जल्दबाज जो कि वापस करेंगे और हैट्रिक मुकम्मल करेंगे, फिर से नाम जुबा पर होगा निखिल गडेकर का। बढ़िया शॉट कारपेट के साथ खेला, इस बार एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते
एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में। चौथे ओवर की शुरुआत अनुष केरकर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57, 57 रन। वापसी करनी पड़ेगी आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम को, ताकत है आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम की, क्षमता है, कई बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं, कुडाल के मैदान पर हो, मिडबाव के मैदान पर हो, सांगेम प्रीमियर लीग किस जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता में कई खिलाड़ी इसमें जो कि खेल चुके हैं, तो ये क्रिकेट का खेल है बिल्कुल। और आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम बिल्कुल एक बड़ा नाम है जो कि क्रिकेट की जगत में। फुल टॉस गेन इस बार, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो, ओ सुंदर थ्रो, देखिए विकेट कीपर के हाथों में क्या शानदार फील्डिंग, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में 58। चौथा ओवर जारी, आने वाला ओवर होगा जो झिंगारो ओवर होगा, अच्छा विकेट है, बाउंड्री छोटी है। सचिन बंगारे स्ट्राइक इन पर बैटर, और लॉप किया इस बार, ओवर पिच गेंद हमारे बिल्कुल कैमरेमैन के पीछे, गेंद चली गई, जिंगारो सिक्सर। किस तरह से शॉट खेला आप यूट्यूब पर रिप्ले देख सकते, सिर्फ लॉब किया था, तो बिल्कुल ताकत है कंधों में इस खिलाड़ी की। शॉट अप लेन गेंद, कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर, मिस कर गए, इस बार गेंद चली गई विकेट कीपर अनिकेत देसाई के हाथों में। एक स्लिप पर कवर पॉइंट पर, एक कवर पर, एक डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर, ऑन साइड पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, ये फील्डिंग की जमावट। आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम मुकाबला करते हुए सेमीफाइनल का मैच सीसी बॉयज पणजी क्रिकेट टीम के साथ। बहुत अच्छी गेंद, मैच में कमबैक करना पड़ेगा आरवी को, एक दो विकेट अगर जल्द लेने में सफल रहे तो वापसी होगी इस मैच में, क्योंकि ये मैदान की मैं बात कर रहा था, छोटी बाउंड्री है, अच्छा विकेट है, बैटिंग के लिए विकेट है, और आरवी की ताकत है जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, वो ताकत है आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम की, और इस ये मैदान जिस तरह से है वो लेफ्ट हैंडर के लिए काफी मददगार है। ओ ये देखना होगा, गेंद खड़ी हो गई, मैच कैच का मौका, सफलता मिली आरवी 11 को, और दूसरा धक्का लगता हुआ सचिन बंगारे आउट होकर वापस डीजे। मैडी और स्कोर चौक टोटल 64, 64 रन दो विकेट पर, 64 लॉस ऑफ टू विकेट,
दोपहर के सत्र में सूरज माथे पर गर्मी महसूस हो रही है और हमारा जुम बराबर जुम, आप जरूर नींबू शरबत वहां पर जो कि आपको मिल सकता है। मुन्नी कैंटीन राउंड विकेट आइटम नरेन बैटर सामने स्ट्राइक पर, महेश पाइडकर गेंदबाजी पर, तेज गेंद अनिकेत देसाई, शायद कोशिश बढ़िया थी, तेज गेंद थी और गेंद वापस एक बार फिर से फील्डर के साथ, गेंदबाज महेश पाइडकर। जिंगारो ओवर जो पांचवा ओवर, मुकाबला आठ ओवर का, सेमीफाइनल का ये दूसरा मैच सीसी बॉयज पणजी और आरवी इलेवन कोरगांव इन दो टीमों के बीच में। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की, एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, लेग बाइज का इशारा और लेग बाइज के साथ एक रन मिल गया स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे महेश पाइडकर, बिल्कुल जो उनका प्रमुख अस्त्र है, जिस तरह से संदेश ठाकुर यॉर्कर गेंदबाजी करते हैं उसी तरह से महेश पाइडकर जो बिल्कुल यॉर्कर के लिए भी जाने जाते हैं और इनके गेंदों में गति है। बिल्कुल ऐसी एक गेंद थी नरेश को बिल्कुल जो कि परेशान किया उस गेंद पर, और न्यू बैटर मैदान पर साहिल वाइंगणकर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, गेंदबाजी अच्छी रही इस टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी की, बल्लेबाजी में भी योगदान दिया लेकिन गेंदबाजी ने बहुत प्रभावित किया इस टूर्नामेंट में। बढ़िया शॉट मिड ऑन पर फील्डर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग, कोई रन नहीं बनता हुआ स्कोर के खाते में। महेश पाइडकर अपने धीरे धीरे बॉलिंग मार पर। आरवी इलेवन कोरगांव क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई फील्डिंग करती हुई। ओ फिर से तेज गेंद, शायद क्या गति के साथ ये गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं आखिर में, जो कि पूरी ताकत लगा रहा है और मालूम है उनको एक अच्छा ओवर मैच में कमबैक हो जाएगा। पावर प्ले में पहले ओवर में इस खिलाड़ी ने चार रन सिर्फ दिए थे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी पहले पावर प्ले में और ये ओवर जो जिंगारो ओवर, अब तक बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी इस गेंदबाज को। कोरगांव एक्सप्रेस महेश पाइडकर उर्फ मैडी राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए। गेंद चली गई स्लिप की तरफ, फिर से एक बिंदी गेंद, फिर से एक डॉट गेंद, अच्छा ओवर यह अब तक साबित होता हुआ जिंगारो ओवर में। इस अगर टूर्नामेंट की बात की जाए तो सदानंद नाइक जिन्होंने हैट्रिक मुकम्मल की है, दो गेंदबाज ऐसे रहे जिन्होंने बिल्कुल कम रन दिए, एक वीरेश और दूसरा था सचिन सत्या देवी प्रिंट सर्कल और सेल्डन ब्लास्टर के, चार रन देकर तीन विकेट चटकाए थे वीरेश ने और सचिन ने आठ रन देकर तीन विकेट। ये था कमाल जिंगारो ओवर का इस टूर्नामेंट का और महेश पाइडकर क्या इतिहास बनाएंगे इस मैदान पर, देखना होगा इस गेंद पर क्या होता है। ओह जोरदार तालियां, जोरदार तालियां दोस्तों, यही तो क्रिकेट है। देखो निखिल गडेकर छह गेंदों पर छह छक्के लगे और वही कमाल किया महेश पाइडकर ने, मेडन ओवर के साथ विकेट भी चटकाए, बहुत ही शानदार, जोरदार तालियों से स्वागत महेश भाईडकर उर्फ मैडी का गेंदबाजी में, जिंगारो ओवर में एक रन जो लेग बाइज के साथ जुड़ गया था, सिर्फ एक रन जरूर मिला लेकिन वो भी लेग बाइज के साथ, लेकिन दाद देनी पड़ेगी जिंगारो ओवर में। आरवी इलेवन ने कमबैक किया मैच में।
डीजे, टोटल स्कोर हो चुका है 65, 65 रन टोटल, 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। बहुत ही शानदार कमबैक, बहुत ही अच्छा मुकाबला सेमीफाइनल का। आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम और एक परिवर्तन गेंदबाजी में। बॉलिंग में परिवर्तन, प्रीतेश मोरोडकर गेंदबाजी पर और न्यू बैटर मैदान पर राजेश गोस्वामी। बहुत ही मुकाबला शानदार, महेश बाहेड़कर क्या रफ्तार के साथ, क्या गति के साथ गेंदबाजी की, बल्लेबाज को बिल्कुल हिलने का मौका नहीं दिया दोनों बैटर को। तेज गेंद, हल्का सा अपील, लेकिन कोई असर नहीं अंपायर पर। शिवचरण उर्फ बाबू दाबोलकर होने के साथ वामन मयेकर, इस टूर्नामेंट के साथ दो अंपायर और भी जुड़ चुके, दिनेश नाइक और अभिजीत तड़ेकर। सेमीफाइनल का मुकाबला एक छोर से सिद्धेश 11 तालीगांव क्रिकेट टीम फाइनल में प्रवेश करती है और दूसरे छोर पर यह दोनों के बीच में आमने सामने भिड़ंत। और इस बार शॉर्ट अंपल का शॉर्ट मिड विकेट पर मौका, कैच का, कैच को पकड़ा, अरवी को मिलती हुई और एक सफलता। डीजे बड़ी कीमती सफलता मिलती हुई, 19 गेंदों में 47 रन, लेकिन क्या स्कोर था तीन ओवर में, 56 रन था तीन ओवर में। और उसके बाद बहुत ही शानदार कमबैक आरवी 11 क्रिकेट टीम का, काफी मेहनत कर रही है। महेश बाइडकर का एक रन जो लेग बाइज के साथ रन, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। फिलहाल बॉलिंग बार पर प्रीतेश अगली गेंद लेकर और न्यू बैटर मैदान पर। शॉर्ट पर इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद पुल करना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद बल्ले में संपर्क नहीं। प्रीतेश न्यू बैटर और गेंदबाजी में भी प्रीतेश, प्रीतेश मुरुडकर और बैटर है प्रीतेश नाइक। अड़े बल्ले से इस बार शॉर्ट अंपुल का शॉर्ट, थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर थी लेकिन सिंगल लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। एक रन बड़ी देर के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ, डबल सिक्स, 66, 66 रन। राजेश गोस्वामी बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर शानदार कोशिश, बहुत ही बढ़िया कोशिश फील्डर की, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर अच्छा थ्रो और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। एक आसान कैच नहीं था बिल्कुल, कोशिश बढ़िया थी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग। आरवी 11 ने बिल्कुल संघर्ष कर रही है, मेहनत कर रही है, मालूम है ये मुकाबला सेमीफाइनल का है। सामने सीसी बॉयज की मगर बात करूंगा, तीन ओवर में था स्कोर, उसके बाद शायद रोक लगा दी है गेंदबाजों ने। बढ़िया शॉट, ओ कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद दूर फील्डर से, जिंगारो सिक्सर।
मिलेगी, मेगा फाइनल का मुकाबला होगा जो इस मैदान पर। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, थोड़ा सा लोअर फुल टॉस गेंद, काउ कॉर्नर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, बहुत ही शानदार गेंदबाजी दुर्गेश भाईडकर इस ओवर में, लगातार तीन गेंदों में तीन सिंगल देते हुए अपने टीम के ओर से, और स्कोर पहुंचा 76, लॉस ऑफ 4 विकेट, सातवा ओवर मैच का जारी। ओ ये खराब गेंद, फुल टॉस, लॉग ऑफ बाउंड्री पर गेंद, जिंगारो सिक्सर। फुल टॉस गेंद पर बढ़िया शॉट इस बार अपने पॉलोत्र में, शानदार फील्डिंग, स्कोर रुका हुआ 82, 82 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, सातवा ओवर मैच का चलता हुआ 82, लॉस ऑफ 4 विकेट, आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम फील्डिंग करती हुई, और सामने सीसी बॉयज पणजी क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी करती। आने वाला ओवर इस ओवर के बाद आखिरी ओवर होगा और देखना होगा, 100 से आगे निकलना पड़ेगा सीसी बॉयज पणजी क्रिकेट टीम को इस मैदान पर, क्योंकि बैटिंग विकेट है, बाउंड्री छोटी है। इस बार तेज गेंद, फिर से ब्लॉक होल में पैरों पे टकराती हुई गेंद, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, खेल समाप्त तो होता हुआ सातवें ओवर का। एक फुल टॉस गेंद मिली, फुल टॉस गेंद पर छक्का लगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और सात ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 83, लॉस ऑफ 4 विकेट, लास्ट ओवर टू गो। डीजे डीवी ऑडियो आपके पास, अगर घर में कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, तो आप जरूर हमारे डीवी ऑडियो के साथ। और साइनस सर ने भी बहुत बहुत थैंक यू किया, जिंगारो वॉइस आपकी पूरी टीम को, कि आपने मौका दिया इतने बड़े टूर्नामेंट में डीजे के लिए। तो अंतिम ओवर का खेल और गेंदबाजी पर प्रीतेश, इस बार एक सकोर बाउंड्री पर, नो मैच लैंड में कोई फील्डर नहीं, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए, गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया, गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लगभग काउ कॉर्नर पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में, और इस एक रन के साथ से स्कोर पहुंचा 88, 88 रन टोटल, अंतिम ओवर का खेल जारी।
ये बेहतरीन शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के पीछे बैकअप हो रहा है, देखना होगा दूसरे रन के लिए पलटे, खराब थ्रो, ओवर थ्रो निकला और ओवर थ्रो के साथ और एक रन भी जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, 90 पर पहुंचा टोटल स्कोर 4 विकेट पर। पहले 3 ओवर में 56 रन, बाद में आरवी का कमबैक, महेश भाईड़कर का जिंगारो ओवर 1 रन जो लेग 22 के साथ, ओ ये बेहतरीन शॉट डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गजब का छक्का, जिंगारो सिक्सर। अंतिम ओवर का खेल अभी भी जारी, मैच का प्रीतेश गेंदबाजी पर, और इस बार बल्ले से लगी गेंद अधूरी ने हिस्सा लगा, विकेट कीपर अनिकेत देसाई ने कैच को पकड़ा, सफलता मिलती हुई 5वें, 96 टोटल स्कोर 96 रन, 96 लॉस ऑफ 5 विकेट डीजे। स्कोर हो चुका है टोटल 96। न्यू बैटर आते आते मिड विकेट पर गेंद चली गई बिल्कुल हमारे साउंड बॉक्स पर, साइना डीजे, और इस शॉट के साथ 100 रन पूरे हुए सीसी बॉयज क्रिकेट टीम के। तो पिछले मैच में भी यही टोटल था, सेमीफाइनल में 102 रन 103 का टारगेट था, और दूसरा सेमीफाइनल वही टोटल 102 और 103 का टोटल, 19 गेंदों में 47 रन, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नरेन की बल्लेबाजी, एक रन जो जिंगारो ओवर गेंदबाज महेश भाईड़कर का, और फिर से जुड़ जाते हैं हमारे डीजे के साथ, 102 रन टोटल और टारगेट 103 टारगेट। जिंगारु स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब आन ऑर्गनाइज केल्लो वो हेवी बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट बेतीमच्या ग्राउंडार घडोवन हाडला, आनी एक टूर्नामेंट घडोवन हाडपा खातीर खुबशा व्हडल्या लोकांचो आमकां हातभार लागला, तेंची मदत लागली आनी तेंचो सहाय लागला। तेंची थोडक्यान तुमकां नांवां सांगता, रोहन कवटे सर, केदार नायक सर, जय साळगांवकर सर, स्वप्नील चोडणकर सर, शैलेश गांवस, अनिशा ब्युटी पार्लर, सुलेमान लरुई, विक्रम गौर, वीरेंद्र शिरोडकर, प्रमोद कुडनेकर, नारायण नायक, सुनील चोडणकर, शैलेश गुरड, अविनाश शिंदे, तशेंच आमकां शकील नायक, विश्वास कादर, प्राजक्त नायक, कलाकार वायन, लुडू, रिदी वॉरियर्स, अब्बास शेख, इस्माईल शेख, जगदीश शेट्टी, लच्छू, शंकर सुनूर, पप्पू अयप्पा, अरुण गोविंद गोल्टे, सुभाष पेडणेकर, शिवा, तशेंच आनीकूय खूब लोक, आमकां रिटा बार एंड रेस्टोरंट, परशुराम, संदीप नायक, प्रसिद्ध चोपडेकर, अबीर हळणकर, प्रसाद भोसले, सूरज बार एंड रेस्टोरंट, रघुनाथ कलंगुटकर, हांकां सगळ्यांक जिंगारू क्लबा कडल्यान देव बरें करूं, जिंगारू। He's
103 का टारगेट है सेमीफाइनल के मुकाबले में और ओपनर बैटर अनिकेत देसाई जो स्ट्राइक एंड पर। और डिलियातो से खेला कवर की तरफ, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। अनुरेश स्ट्राइक पर बैटर अनिकेत देसाई और उनके साथ अनुरेश और विकेक विवेक उर्फ विके गेंदबाजी पर। पावर प्ले का पहला ओवर लेकर 103 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। ओवर पिच गेंद, बढ़िया शॉट इस बार ऑन साइड पर, काउ कॉर्नर पर फील्डर पहली सफलता मिलती हुई। ओवर पिच गेंद, ताकत कम पड़ गई अनुरेश की और पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ डीजे।
मैदान पर। निखिल गडेकर मैदान पर बैटर, न्यू बैटर विवेक उर्फ विक्की गेंदबाजी पर पहली सफलता मिलती हुई। ऑफ स्टंप पर यह गेंद छेरखानी की थी, इस बार गेंद चली गई शॉर्ट टर्नमैन पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं बनता हुआ। पावर प्ले का पहला ओवर जारी, दो ओवर पावर प्ले का खेल, 103 का टारगेट है। आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम के सामने सेमीफाइनल का मुकाबला है, पहला मैच एकांश स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम के साथ रहा, थोड़ा सा मुकाबला एक तरफी रहा। एक बड़ी जीत सिद्धेश 11 पणजी क्रिकेट टीम ने, और उसके बाद ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। फुल टॉस गेंद, और फिर से थोड़ा सा हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन कॉर्नर पर फील्डर से दूर थी गेंद, जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बना स्कोर के खाते में, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर हो चुका है 2 रन, लेकिन एक विकेट वापस निकले, प्रीतेश आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में। पहला ओवर जारी, विवेक उर्फ विक्की गेंदबाजी करते हुए, सामने बैटर है अनिकेत देसाई टीम के, विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अनुभवी खिलाड़ी आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम के। अरे कई मुश्किल परिस्थितियों में किस तरह से खेलना चाहिए, किस तरह से अपने टीम को आगे लेना जाना चाहिए, वो बिल्कुल अता पता है, वो जानते हैं ये खिलाड़ी अनिकेत देसाई, काफी क्रिकेट का ढेर सारा अनुभव है। छोड़ा इस बार बल्ले को, हटाया, जाने दिया, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, और एक रन अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम के। टेनिस क्रिकेट के साथ लेदर क्रिकेट गोवा के साथ, जो कि रणजी क्रिकेट टीम में भी खेल चुके हैं ये खिलाड़ी, तो क्रिकेट का ढेर सारा अनुभव है इस खिलाड़ी के पास। फुल टॉस गेंद मैदान पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने अपने बढ़ते कदमों को रोका, अच्छी फील्डिंग मैदान पर, एक लोअर फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया था इस बार अनिकेत देसाई ने, लेकिन मैदान पर जैसे देखा फील्डर को, और एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर विवेक उर्फ विक्की अगली गेंद लेकर। एक बार फिर से शानदार फील्डिंग, एक रन मिला स्कोर में, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ जिस ओवर में विकेट मिला विक्की को, विवेक को, और स्कोर रन ओवर पर भी बिल्कुल रोक लगा दी। स्कोर हो चुका है सिर्फ 4 रन एक विकेट के नुकसान पर, पहला ओवर समाप्त हुआ 4 रन एक विकेट के नुकसान पर।
ओवर पिच गेंद जोरदार अपील हाउस दैट अंपायर हाउस दैट अंपायर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर और इसी के साथ सफलता अनिकेत देसाई बड़ी बचाव में दूसरा विकेट वापस डीजे गावड़े टीम की बिल्कुल संकट मोचक खिलाड़ी और बढ़िया क्रिकेट इस बार सेंसेबल क्रिकेट ढीले हाथों से खेला सम्मानजनक इस बार और मिड ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया स्कोर रुका हुआ स्कोर बोर्ड पर 10 रन 103 का टारगेट है खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का साइल वैंगन कर गेंदबाजी करते हुए दो बैटर मैदान पर सामने स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर सूरज गावड़े और प्रभाव फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री पर लेकिन डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है गेंद को फील्ड करते सिर्फ सिंगल पर रोक लगा दी फील्डर ने एक रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में रन टोटल 8 ओवर का मुकाबला सेमीफाइनल का मैच स्कोर हो चुका है 2 विकेट पर 11 रन छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर कलाई का उपयोग किया मोड़ा गेंद को इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर गौटे केदार नाइक जयेश सालगांवकर स्वप्निल चोडनकर शैलेश गौस अनिशा ब्यूटी पार्लर सुलेमान उनके साथ विक्रम गोवर वीरेंद्र शिरोडकर प्रमोद कुंडेकर नारायण नाइक सुनील चोडनकर शैलेश गरड अविनाश शिंदे शकील नाइक उर्फ पिट्टू विश्वास कदम प्रज्योत नाइक कलाकार वाइन उनके साथ लुडू रिद्धि वॉरियर्स अब्बास शेख इस्माइल सेठ जगदीश सेट्टी लच्चू शंकर सुनर और इसी बीच खेल एक बार फिर से मैदान पर जुड़ता हुआ तीसरे ओवर की शुरुआत अपने बॉलिंग मार पर विवेक उर्फ विक्की पप्पू अय्यप्पा अरुण गोंड
गोलते सुभाष पेडणेकर शिवा रिटा बार एंड रेस्टोरेंट सामने सूरज गावड़े लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अड़े बल्ले से खेला इस बार ऑन साइड पर कारपेट के साथ मिड विकेट बाउंड्री पर ओ खराब फील्डिंग गेंद चली गई मिड विकेट पर चार रन के लिए। तो टूर्नामेंट की हम चर्चा कर रहे थे सर राजेश भोसले सूरज चोडनकर उनके साथ परशुराम संदीप नाइक प्रसिद्ध चोपड़ेकर अबीर हलनकर प्रसाद भोसले सूरज बार एंड रेस्टोरेंट और रंगनाथ कलंगुटकर को ये ढेर सारे ट्रॉफी जो पुरस्कृत की है वो है ट्रॉफी पुरस्कृत अंशु कोलासो ओनर कलाकार वाइन स्टोर जर्सी पुरस्कृत की है सरपंच पीडीएफ पंचायत स्वप्निल चोडनकर और यूट्यूब जो पुरस्कृत है सर अबीर हलनकर आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ जाते एक बार फिर से मैदान पर बढ़िया शॉट ऑन साइड पर गैप में गेंद चली गई गेंद बाउंड्री लाइन पर चार रन के लिए स्कोर हो चुका है चौके के साथ 23। और फाइनल एक बाउंड्री पर घुमा दिया इस बार गेंद को देखना होगा गेंद थोड़ी सी आ चुकी है पीछे एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज जो दर्शक मेन गेट पे है दर्शकों के लिए एक सूचना है दोस्तों थोड़ा सा दूर होकर मैच देखिए प्लीज प्लीज जो दर्शक बैठे हैं प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट और थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत थैंक यू। एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में दो बैटर मैदान पर एक और से निखिल गडेकर और सूरज गावड़े उर्फ बाबू बॉलिंग मार्ग पर तीसरा ओवर खेल का चलता हुआ और विवेक उर्फ विक्की गेंदबाजी करते हुए बढ़िया शॉट इस बार लेकिन फील्डर मौजूद है राजेश गोस्वामी गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही अगर मैच में बल्लेबाजी की नरेन की बल्लेबाजी रही 19 गेंदों में 47 रन बनाए नरेन ने आधा स्कोर लगभग एक ही बल्लेबाज ने बनाया लगभग 102 का टोटल है 103 का टारगेट है। आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम बिल्कुल संघर्ष कर रही है मैदान पर 8वें 9वें नंबर पर भी बल्लेबाजी है लेकिन एक को बिल्कुल हाथ खोलना पड़ेगा बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे लंबे लंबे छक्के लगाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। और बढ़िया शॉट बल्ले के बीचों बीच क्रैकिंग शॉट जिंगारो सिक्सर
शुरुआत आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी जो कि स्कोरिंग में, और खास करके पांचवा ओवर जो झिंगारो ओवर होगा वो मैच बिल्कुल उस ओवर पर भी निर्भर कर सकता है। देखना होगा फिलहाल सूरज गावड़े मैदान पर, उन्हीं के साथ निखिल गणेकर और गेंदबाजी में परिवर्तन मैदान पर। स्कोर रुका हुआ 32 तीन ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप पर छोटी गेंद, मिसफील्डिंग, एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मालूम है जोखिम बढ़ सकती थी, बिल्कुल जोखिम बन सकती थी और सही सोच बल्लेबाजों की, क्योंकि ऐसे स्थिति में इस हालात में बिल्कुल रनआउट का विकेट बहुत ही महंगा बन सकता है मैदान पर। स्कोर आगे बढ़ा 33 33 रन 2 विकेट पर। फुल टॉस गेंद लेकिन उतना फायदा नहीं मिला, भीतरी किनारा लगा, गेंद आती हुई मिड विकेट पर, मिड विकेट से फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल बना, थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 34 पर। चौथा ओवर जारी 34 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर और गेंदबाजी करते हुए अर्जुन नेपाली, फिर की गेंदबाज, कटर गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने अपनी छाप बिल्कुल छोड़ी है। सेमीफाइनल का मुकाबला है मैदान पर और देखना होगा किस तरह से इन दोनों के बीच में जो कि समाप्त होता है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, कोई रन का सवाल नहीं था बिल्कुल विकेट कीपर तेजी के साथ आते गेंद को उठाते फील्ड करते और बिल्कुल कोई रन नहीं बनता हुआ स्कोर के खाते में। अच्छी गेंद, गेंद को डिले आते से ड्राइव किया, इस बार एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, सिंगल बना, सिंगल के साथ 35 रन पर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 35। खेल जारी चौथे ओवर का। फुल टॉस गेंद, इस बार बॉलर के पास से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर डीप पर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। सिंगल डबल, सिंगल डबल, बीच बीच में बड़े शॉट, देखना होगा 103 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। खेल जारी चौथे ओवर का। अर्जुन नेपाली बॉलिंग मार पर, थोड़ा सा हवा का झोंका मैदान पर, छोटी गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, हवाई फायर मिड विकेट पर, जिंगारो सिक्सर।
पड़ेंगे सर राजेश भोसले, सूरज चोडनकर और उनके साथ वीरेंद्र शिरोडकर जो पंच मेंबर रेस जिनके बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भोसले, सूरज चोडनकर और उनके साथ वीरेंद्र शिरोडकर जो पंच मेंबर है रेस मैगस के और उनके साथ जो कि एक बार फिर से जुड़ जाते हैं मैदान पर जो कि जिंगारो ओवर के साथ। शायद साहिल वांगडकर दिखा देते हुए इस जिंगारो ओवर में अपने बॉलिंग मार्ग पर एक महत्वपूर्ण ओवर। आर्मी इलेवन को मैं बात करूंगा अगर एक ओवर से गेंदबाजी की बात करूंगा, इस ओवर में आपको कम रन देने पड़ेंगे और आरवी की अगर बात करूंगा चार बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे मैच में वापसी करने के लिए, मैच में कमबैक करने के लिए। 61 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए और आने वाले 24 गेंदों का खेल बाकी। अगर 20-25 रन बन गए इस ओवर में तो मैच में वापसी हो सकती है। और बड़ी आशीर्वाद साहिल वांगडकर इस खिलाड़ी ने इस मैच में बिल्कुल शानदार गेंदबाजी की है, जिस तरह से बल्लेबाजी की है नरेंद्र ने, इस तरह से इस गेंदबाज ने भी कमाल की है। अर्जुन नेपाली ने भी बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है और एक बिंदी गेंद के साथ डॉट गेंद के साथ जिंगारो ओवर में शुरुआत होती हुई साहिल वांगडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। और चलिए एक लगा मिड विकेट बाउंड्री पर गगन चुंबी छक्का जिंगारो से। स्लॉट में मिले मिड विकेट पर बड़ा शॉट और इस बार हवा में शॉट मिड ऑन पर लेकिन मौका नहीं बना। सचिन बंगारे तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते थ्रो करते एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम का पांचवा ओवर जारी। 49 टोटल स्कोर 49 रन। ये ओवर काफी निर्णायक है आने वाले गेंदों में। अगर डॉट गेंद के साथ गेंदबाजी रही तो बिल्कुल अच्छा ओवर बन जाएगा मैदान पर सीसी बॉयज क्रिकेट टीम के लिए, पंजी क्रिकेट टीम के लिए। और आरवी की ओर से अगर कोरगांव की मैं बात करूंगा, अगर इस ओवर में आने वाले गेंदों पर दो या तीन शॉट लगे मैच एकदम बिल्कुल कड़ा मुकाबला होगा आखिरी ओवर तक। सूरज गावड़े उर्फ भाऊ स्ट्राइक एंड पर शॉर्ट आर्म बॉल का सूरज गावड़े, एक सूरज आसमान में एक जिंगारे के मैदान पर डीप लॉन्ग ऑफ सिवारिका से बाहर गेंद जिंगारो सिक्सर। ओवर द विकेट फुल टॉस गेंद खराब गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर शानदार फील्डिंग, तीन रन बचाए अपने टीम के लिए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, तीन रन कम से कम बचाए, शानदार फील्डिंग। एक रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 56 अब तक 56। और इस बार कवर पर फील्डर कट किया, मिस फील्डिंग, एक रन बनेगा स्कोर के खाते में मिस फील्डिंग के साथ। क्या दूसरे रन के लिए बिल्कुल हाना हाना कर रहे थे लेकिन खतरा बन सकता था रनआउट का, एक ही रन बनता हुआ स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ खेल जिंगारो ओवर। और इसके साथ स्कोर हो चुका है टोटल 57, आने वाले 18 गेंदों का खेल बाकी और 18 गेंदों में 46 46 रन, 18 चेंडू उर्लित, 18
चेंडू 46 धावा आरवी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाला सामना जिंकण्यासाठी 18 गेंदों में 46 रन। दोस्तों आज ईस्टर संडे है और आज ईस्टर संडे को ढेर सारी शुभकामनाएं सभी पूरी जो कि गोवा की स्पोर्ट्स लवर को बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं कमेंट्री बॉक्स में से। आज ईस्टर संडे के मुकाबला 15 रन का रन रेट आ चुका है मैदान पर। मैं तो कहूंगा मैच अभी भी बाकी है, मुकाबला 50-50 का है, 18 गेंदों का खेल, 46 रन और ये जब तक खिलाड़ी मैदान पर, सूरज गावड़े उर्फ भावू ये मुकाबला बिल्कुल समाप्त नहीं होगा मैदान पर, ये जब तक बल्लेबाज है मैदान पर। आने वाली बैटिंग है लेकिन सूरज गावड़े दारोमदार है इस खिलाड़ी कर और गेंदबाजी में परिवर्तन रोहित पावले। टेनिस क्रिकेट में एक गेंदबाज विजय पावले एक बहुत ही बिल्कुल बड़ा नाम और उसी के साथ ये भी बिल्कुल वैसी तरह का बड़ा नाम रोहित पावले गेंदबाजी पर और सामने बैटर है जो अभी अभी एक बल्लेबाज वापस निकले आउट होकर उनके जगह पर अनुष केरकर मैदान पर। दो लेफ्ट हैंडर खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई, ऑफ साइड पर देखना होगा अंपायर का इशारा बल्ले पे लगी या लेग बाय शिव शरण और पर बाबू दाबोलकर लेग बाय का इशारा करते हुए 45 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और 17 गेंदों का खेल बाकी, 17 चेंडू उरलेत, 17 चेंडू 45 धावा सामना जिंकने साथी। कड़ी धूप है, सूरज माथे पर है, गर्मी का मौसम है, हमारे झुम बराबर झुम मुन्नी आप जरूर नींबू शरबत वहां पर जो कि उपस्थित है आपके लिए। ओह उड़ाया मिड विकेट सी मारका से बाहर, जिंगारो सिक्सर। धन्यवाद, खुद का व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्कोर 44 रन पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी 44 और मैच आ चुका है 16 गेंदों का खेल और 39 रन, 16 चेंडू उरलेत, 16 चेंडू 39 धावा सामना जिंकने साठी। हल्की हवा मैदान पर बहती हुई और अपने बॉलिंग मार पर रोहित पावले अगली गेंद लेकर और फिर से इस बार गेंद हवा में कैच का मौका नहीं बना, गेंद थोड़ी सी आगे गिरती हुई, एक रन के लिए निकले और जब तक बैकअप कर रहे थे सचिन भंगारी गेंद को फील्ड करते, दो रन पूरे किए, एक मुश्किल सा मौका था, बिल्कुल हाफ चांसेस जिसे कहते वो मौका था, मैं तो नहीं कहूंगा कैच, लेकिन लगभग थोड़ी सी आगे गेंद गिरी थी लेकिन गेंद नहीं निकली, चार रन के लिए दो रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और इन दो रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 66 लॉस ऑफ 3 विकेट।
66 रन 3 विकेट पर। इस ओवर के बाद दो ओवर का खेल बाकी। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में और रोहित पावले एक डॉट गेंद के साथ, एक बिंदी गेंद के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए। ओवर पिच गेंद, फिर से जोरदार बल्ला घुमाया, बैक टू बैक दो बिंदी गेंद रोहित पावले की, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। सामने लेफ्ट हैंडर सूरज गावड़े जो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे, बिल्कुल एक की बल्लेबाजी के साथ जिस तरह से बाजी प्रभु ने पावन खिंड लड़ाई थी, बिल्कुल लड़ी थी वैसी तरह से सूरज गावड़े आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम के ओर से बल्लेबाजी करते हुए। और ये खिलाड़ी जब तक मैदान पर, मैं बात नहीं करूंगा, बिल्कुल सीसी बॉयज है पंजी क्रिकेट टीम के बारे में। स्कोर हो चुका है 66। अपटम से बाहर इस बार तेज गेंद करने की कोशिश, रोहित पावले लाइन पर भटके, वाइड बॉल का इशारा, एक रन मिला और स्कोर के खाते में। अभी भी चाहिए, इस ओवर के बाद दो ओवर का खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए 36, 36 रन। दो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान पर, दो बैटर अनुष केरकर और सूरज गावड़े उर्फ भाऊ। और बढ़िया शॉट लंगन बाउंड्री पर, सूरज गावड़े लंगन बाउंड्री पर जिंगारो सिक्सर। थैंक यू डीजे, सूरज गावड़े के 50 रन पूरे होते हुए जोरदार तालियां, सेमीफाइनल का मुकाबला और क्या तोड़फोड़ की बल्लेबाजी सूरज गावड़े उर्फ भावू की। और खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ, 6 ओवर का, आने वाले 12 गेंदों का खेल बाकी और 12 गेंदों में 30 रन मैच को जीतने के लिए। धन्यवाद। 12 गेंदों का खेल, 30 रन मैच को जीतने के लिए शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का। और बहुत बहुत धन्यवाद सर रोन खाउटे, मिनिस्टर ऑफ फॉर टूरिज्म, एमएलए परवरिम, केदार नाइक एमएलए सालीगांव, जयेश सालगांवकर एक्स एमएलए सालीगांव, स्वप्निल चोडनकर सरपंच पेनादि फ्रांस, आपका बहुत बहुत जो कि धन्यवाद इस टूर्नामेंट के लिए। और उन्हीं के साथ जो पंच मेंबर रेस मैगुस सर, राजेश भोसले, सूरज चोडनकर, वीरेंद्र शिरोडकर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ जाते हैं मैदान पर, एक कांटे का मुकाबला दोपहर के सत्र में। दोस्तों भूख जरूर लगी है आपको सभी को, लेकिन ये मुकाबला बिना देखे मत जाइए घर। ऐसा मुकाबला मैदान पर, एक पैसा वसूल मुकाबला और झुम्बा जुम्मा जो हमारे कैंटीन मुन्ने का वो भी उपस्थित है, जो कि आपके लिए ठंडा ठंडा लींबू शरबत के साथ। गेंदबाजी में परिवर्तन, अर्जुन नेपाली, 12 गेंदों का खेल और 30 रन, 12 चेंडों 30 दावा। और छोटी गेंद, ओ शॉट ठीक से नहीं लगा लेकिन बाल बाल बच गए, एक रन पूरा किया दूसरे के लिए पलटे, बहुत ही शानदार दौड़ विकेटों के बीच में, सही संपर्क नहीं था इस बार अनुष केरकर का, लेकिन मौका नहीं था। नो मैच लैंड में गेंद गिरते हुए दो रन बन गए स्कोर के खाते में और इन दो रन के साथ से मैच आ चुका है। अकरा चेंड उर्लित, अकरा चेंड 28 धावा।
सा स्प्रे आहा भाऊ बघून दवरा 9 बॉल 25 मा होय मा या और एक आणि या और एक जर आता एक सिक्स बसली ना त्यांच्याकडे बॉलर नाही लास्ट ओव्हर एक ही आता या और या तीन या तीन बॉलर एक बसली ना बॉलर नसतो मारले चार मारले हां पाच झाले चुकली अरे 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 तुमचा बॉलर हार्ड बॉल 19 सांगता राव मस्त बघ बघ दुसरो बॉल बघ ओल्ड बॉल आहे हेलो 8 गेंदों का खेल और 8 गेंदों में 19 रन 8 चेंडू 19 तावा ओह ऑन साइड पर खेलना चाहते थे अच्छी गेंद अर्जुन नेपाली 7वां ओवर जारी आने वाला ओवर इस मैच का आखिरी ओवर होगा 19 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए ये गेंद काफी निर्णायक होगी ये गेंद डॉट निकालने में सफल रहे तो आखिरी ओवर में मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा और इस गेंद पर शॉट लगा ऑप्टम से बाहर छोड़ा जाने दिया प्रेशर मुकाबला है सेमीफाइनल का अतिरिक्त दबाव है 18 रन बड़े शॉट मैच से दूर है आरबी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम 7 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और सूरज गावड़े लड़ रहा है मैदान पर बिल्कुल आरबी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम की ओर से ओ ये कैच का मौका नहीं बना बिल्कुल गेंद चली गई स्लिप की तरफ ये मौका बिल्कुल था स्लिप पर एक रन बन गया स्कोर के खाते में और एक रन के साथ अच्छी बात एक हुई कि जो स्ट्राइक चाहिए था सूरज को वो आ चुका स्ट्राइकर बैटर तो 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 7 ओवर के बाद 86 अंतिम ओवर 6 गेंदे और मैच को जीतने के लिए 17 रन 17 धावा सामना जिंकण्यासाठी सूरज गावडे एकमात्र खिलाड़ी सामने सीसी बॉयज क्रिकेट टीम के 61 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए क्या ये इनिंग यादगार रहेगी क्या ये इनिंग मैच विनिंग इनिंग होगी देखने वाली बात होगी 6 गेंदों का खेल और बॉलिंग मार पर राजेश गोसावी मुकाबला कमेंट्री बॉक्स में अगर मैं बात करूंगा सर तो अभी भी 50-50 का मैच है कौन भी जीत सकता है सीसी बॉयज भी ये मैच जीत सकता है क्योंकि 6 गेंदों में 17 रन बात आसान नहीं है और आरबी 11 की अगर मैं बात करूंगा ये खिलाड़ी की मैंने बात की है इससे पहले ये जब तक मैदान पर ये मैच बिल्कुल नहीं छोड़ेगा क्योंकि लड़ना इसको मालूम है बिल्कुल मेहनत काफी करता है और इसीलिए तो हमेशा कहते हैं जो लोग बिल्कुल पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीनों से नहाते हैं वो इतिहास बनाते हैं देखना होगा क्या इतिहास बनेगा आरबी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम
और बल्ले से लगी गेंद विकेट कीपर के पीछे, लेकिन मौका नहीं बना। बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी में राजेश गोसावी, डॉट गेंद के साथ, बिंदी गेंद के साथ बहुत अच्छी गेंदबाजी में शुरुआत करते हुए आने वाले 5 गेंदों का खेल बाकी और मैच को जीतने के लिए 17 रन। आरवी टीम बिल्कुल, विनोद भाई वो भी दिखाई दे रहे हैं। विनोद भाई आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से, दिल की धक धक तेज करने वाला। ओ उड़ाया मिड विकेट पर, हवाई फायर, सीमा रेखा से बाहर, जिंगारो सिक्सर। की और 4 गेंदों में 11 रन मैच को जीतने के लिए। क्रिकेट का खेल है दोस्तों, मैच में भाकित करना कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल गलत बात होती है हमेशा। मैं अभी भी कह सकता हूं कि कौन भी जीत सकता है। एक गेंद सूरज गावड़े को आउट करे, मैच में वापस से सीसी बॉयज क्रिकेट टीम की, और अगर एक करारा शॉट लगा तो आरवी क्रिकेट टीम हावी होगी मैदान पर। ओह क्रैकिंग शॉट मिड विकेट पर, गगनचुंबी छक्का, ये लगा जिंगारो सिक्सर। स्वागत करेंगे सर अय्यप्पा स्वामी, ओनर मालिम जेटी के, जिनका बहुत बहुत स्वागत। अय्यप्पा स्वामी जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी, सर आपका स्वागत है। जिंगारो बॉयज का 6ठा पर्व आयोजन का एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, यादगार टूर्नामेंट, ढेर सारी इनामे है। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला, कौन प्रवेश करेगा, किसके लिए दरवाजा खुल जाएगा, और एक टीम को अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। काफी निराशा के साथ ये मैच, ये मैदान छोड़कर जाना पड़ेगा। मुकाबला आ चुका है 3 गेंदों का और 3 गेंदों में 5 रन। सवाल दोस्तों 1 लाख का है इस टूर्नामेंट का, और सेमीफाइनल का मुकाबला है 50,000 ना, 50,000। और इस बार सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, देखना होगा। हड़बड़ाहट फील्डिंग में 1 रन और एक ही रन बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ से 4 रन चाहिए, 4 रन चाहिए। आने वाले 2 गेंदों का खेल बाकी। एक बार फिर से सभी उपस्थित दर्शक जो दोपहर के सत्र में मैच को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। मैं अशोक नाइक, हमारे साथ स्कोरर सर उमेश बाबू आजगावकर, जयराम उर्फ फुंडू। लेकिन सर मैं तो इंतजार करूंगा मुकाबला टाई होकर सुपर ओवर का मैच हो जाए मैदान पर, और मजा आ जाएगा। मुकाबला अगर टाई हो जाता है तो सुपर ओवर का मुकाबला और भी मजा बन जाएगा इस मैदान पर। 2 गेंदों का खेल, 4 रन। सवाल 50,000 रुपए का, क्योंकि जो जीतेगा वो एक तो इनाम पक्का होगा सर 50,000 का, बाद में सोचेंगे 1 लाख का, लेकिन पहला सवाल है 50,000 रुपए का। 2 गेंदे, 4 रन, ये गेंद 25,000 की है। एक गेंद 25,000 की, 2 गेंदों में 4 रन। ओ उड़ाया, ओहो गेंद सीमा रेखा से बाहर। थैंक यू डीजे, डीजे सर 1 मिनट, डीजे 1 मिनट, डीजे साईनाथ। क्या मुकाबला रहा, इतिहास रचा इस मैदान पर।
छह गेंदों में छह छक्के लगे निखिल गडेकर के। मैडी की गेंदबाजी पर जो झिंगारो ओवर सिर्फ एक रन बना और सूरज गावड़े का अर्धशतक, ये तीन इतिहास भरत सर यादगार रहेगा ये टूर्नामेंट। चलिए आइए सर एक बार फिर से हम कॉल करते हैं हमारे अय्यप्पा स्वामी सर, आपका स्वागत है और मैन ऑफ द मैच सर एक ही नाम, बस कोई सवाल नहीं, वही बल्लेबाज सूरज गावड़े उर्फ भाऊ मैन ऑफ द मैच इस मैच का। लेकिन बहुत बहुत अच्छा क्रिकेट सीसी बॉयज आपने भी खेला, छोटी छोटी गलतियां हुई, शायद स्लिप पर जो कैच निकला था वो होना चाहिए था, वो बनना चाहिए था, एक दो रनआउट के मौके भी बीच में चले गए और तीन ओवर में बने थे 56 रन, तो आपको 120 तक जाना चाहिए था, तब आप पीछे हो गए। महेश माइड करने कम बैक किया, तीन ओवर में 56 तो आठ ओवर में 120, लेकिन वही पर कम बैक महेश माइडकर का और फाइनल में आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम। छोटा सा ब्रेक है और मैन ऑफ द मैच सूरज गावड़े हमारे सर अय्यप्पा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। एक ब्रेक है छोटा सा जरूर और उसके बाद फाइनल का मैच है। आणि एक टुर्नामेंट घडवून हाडपा खातीर खुबशा व्हडल्या लोकांचो आमकां हातभार लागला, तेंची मदत लागली आनी तेंचो सहाय लागला। तेंची थोडक्यान तुमकां नांव सांगता, रोहन कवटे सर, केदार नायक सर, जय साळगांवकर सर, स्वप्नील चोडणकर सर, शैलेश गांवस, अनिशा ब्युटी पार्लर, सुलेमान लरुई, विक्रम गौर, विरेंद्र शिरोडकर, प्रमोद कुडणेकर, नारायण नायक, सुनील चोडणकर, शैलेश गुरड, सूरज गावड़े। सूरज गावड़े आइए मैन ऑफ द मैच के लिए, सूरज गावड़े हमारे अय्यप्पा सर जिनसे हाथों सम्मानित किया जाएगा। रन बनाए सूरज गावड़े। वॉरियर्स अब्बास शेख, इस्माइल शेख, जगदीश शेट्टी, लच्छू, शंकर सुनूर, पप्पू अय्यप्पा, अरुण गोविंद गोल्टे, सुभाष पेडणेकर, शिवा, तशेच आणिकूय खूब लोक आमकां रिटा बार एंड रेस्टोरंट, परशुराम, संदीप नायक, प्रसिद्ध चोपडेकर, अबीर हळणकर, प्रसाद भोसले, सूरज बार एंड रेस्टोरंट्स, रघुनाथ कलंगुटकर, हांकां सगळ्यांक झिंगारू क्लबा कडल्यान देव बरें करूं झिंगारू। थँक्यू सर। सूरज गावडे जल्दी आइए प्लीज, सूरज गावड़े उर्फ भाऊ मैन ऑफ द मैच, 84 रन्स, 84 रन, यादगार इनिंग झिंगारो बॉयज का टूर्नामेंट, हमेशा याद रहेगा इस खिलाड़ी को। और हमारे सर अय्यप्पा स्वामी ओनर मालिम जेटी जिनसे आते शानदार ट्रॉफी इस टूर्नामेंट की याद में। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक जरूर है और उसके बाद फाइनल का मुकाबला होगा, इस मेगा फाइनल शानदार चमचमाती ट्रॉफी का कौन होगा हकदार और पहला बड़ा इनाम जो 1,00,000 रुपए का। एक छोटा सा 20 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फाइनल का मुकाबला और सूरज गांव उर्फ भाऊ आइए प्लीज, ट्रॉफी आपके लिए अय्यप्पा स्वामी जिनसे हाथों दी जाएगी। मैं अशोक नाइक का एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा इस कॉम बॉक्स में माइक्रोफोन पर, एक छोटा सा 20-25 मिनट का ब्रेक और उसके बाद मेगा फाइनल इस टूर्नामेंट का। सूरज चलिए मैन ऑफ द मैच।